अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में हूँ आपके सामने नूरी भाई खलीफा सजदनशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। नाज़रीन, आप तमाम का फिर से एक बार हमारे खुसूसी प्रोग्राम सफ़र टाइम में कायर मकदम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमारे खुसूसी प्रोग्राम सफ़र टाइम में कर्नाटक के शहर बेंगलुरु से अगर कोई दरगाह रहमताबाद शरीफ को आना चाहते हैं तो किस तरह से आएँ, कौन सी ट्रेन से सफ़र करना बेहतर रहेगा और ट्रेन का शेड्यूल क्या है, इस पर आज बात होगी। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द शहर बेंगलुरु आ रहा हूं और वहां पर रहमताबाद टीवी चैनल को प्रमोट किया जाएगा और वहां की बारगाह में हाज़िरी व ज़ियारत का मैं शर्फ हासिल करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सफ़र टाइम की तरफ। नाज़रीन, शहर बेंगलुरु से अगर आप आना चाहते हैं तो आपको नेल्लूर रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा और बेंगलुरु से नेल्लूर आने के लिए कई एक ट्रेन्स हैं। मिसाल के तौर पर संगमित्रा एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नंबर है 12295। दूसरी ट्रेन है शेषाद्री एक्सप्रेस जिसका नंबर है 17209। एक और ट्रेन है YPR हावड़ा एक्सप्रेस और इस ट्रेन का नंबर है 12864। नाज़रीन, इन ट्रेन्स के ज़रिए आप जो है बेंगलुरु शहर से नेल्लूर रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। बाहर निकलने के बाद आपको जो है आत्माकूर बस स्टैंड जाना पड़ेगा जो कि बहुत करीब है। आप आत्माकूर बस स्टैंड जाकर वहां से रहमताबाद शरीफ की बस में बैठकर रहमताबाद शरीफ आ सकते हैं। नाज़रीन, बेंगलुरु से नेल्लूर रेलवे स्टेशन आने के लिए हम ट्रेन के शेड्यूल की बात करेंगे। ट्रेन नंबर है 12295 संगमित्रा एक्सप्रेस। नाज़रीन, ये ट्रेन KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन SBC से निकलती है और निकलकर बेंगलुरु कैंट, कृष्णा राजापुरम, बंगारापेट जंक्शन, कुप्पम, जोलारपेट्टाई, कटपाड़ी, अराकोनम, पेरम्बोर, गुडूर जंक्शन से होते हुए नेल्लूर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। नेल्लूर पर आपको उतर जाना है, निकल कर बाहर निकलना है और बस में बैठकर आपको जो है दरगाह रहमताबाद शरीफ आना है। नाज़रीन, एक नई बात, एक नया वीडियो और एक नए सफ़र टाइम के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।